हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी 3D शोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में। फ्रेंड्स, एक अच्छा शोल्डर होने से एक पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। आप जब भी टी शर्ट पहनते हो तो शोल्डर जरूर आते हैं। फ्रेंड्स, उससे क्या है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी टी शर्ट बहुत ही अच्छी लगती है। जिसके शोल्डर अच्छे होते हैं वो दूर से ही नजर आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं शोल्डर के अंदर 3 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्चर। और शोल्डर के अंदर टोटल 8 मसल्स होते हैं। सबसे बड़ा जो मसल्स होता है वो है डेल्टॉइड। फ्रेंड्स, उसका डेवलप होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आज ऐसे वर्कआउट बताएंगे जिससे आपको इंजरी ना हो। फ्रेंड्स, शोल्डर के वर्कआउट के टाइम बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है, इसीलिए आप शोल्डर का वर्कआउट नहीं कर पाते और काफ़ी पेन होता है। फ्रेंड्स, आज ऐसे वर्कआउट बताने जा रहे हैं जिससे आपके 3D शोल्डर डेवलप होंगे, एक राउंड शोल्डर डेवलप होंगे। सबसे पहला वर्कआउट फ्रेंड ये है सोमो हाई पुल। इसके 4 सेट और 10 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वर्कआउट इस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, इससे आपका शोल्डर का सबसे पहले वार्म अप हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट करने से आपको राउंड शोल्डर मिलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर शोल्डर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। फ्रेंड, दूसरा जो वर्कआउट है फ्रेंड्स वो है डंबल शोल्डर प्रेस। इसके 10 सेट और 10 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वर्कआउट करने से आपका शोल्डर का जो साइज है वो गेन होता है। फ्रेंड्स, 3D शोल्डर के लिए और ब्रॉड शोल्डर होने के लिए ये वर्कआउट बहुत जरूरी है। शोल्डर प्रेस करने से आपके जो शोल्डर का साइज है वो काफी तेजी से गेन होता है और काफी ब्रॉड होता है। फ्रेंड, तीसरा जो वर्कआउट है वो डंबल रेयर डिल फ्लाई। इसके 3 सेट और 10 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वर्कआउट आप मशीन बेंच की सहायता से करेंगे। इस तरह से अपना जो सर है बेंच पर रखेंगे ताकि आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छा लुक आए, एक अच्छा 3D शोल्डर हो और साथ ही साथ इससे शोल्डर का जो लेंथ है वो काफ़ी तेजी से ब्रॉड होता है। फ्रेंड्स, जो लास्ट वर्कआउट है वो है फ्रंट प्लेट रेस। इसके 4 सेट और 10 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, इससे आपके शोल्डर का जो साइज है और राउंड हो जाता है। फ्रेंड्स, एक अच्छा शोल्डर होने से आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। आप कभी भी आप भीड़ में देखोगे तो आप एक जिसके शोल्डर अच्छे होते हैं वो अलग ही नजर आता है। फ्रेंड्स, एक शोल्डर का होना बहुत ही जरूरी है। एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छी टी शर्ट फिट होनी चाहिए, तभी आपके शोल्डर बहुत काम आते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।